नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में और आपके साथ में हूं प्रियंका। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया को न्यूजीलैंड का दौरा करना है और न्यूजीलैंड दौरे के लिए BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। बता दें कि भारत को T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर 3 T20 और 3 ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है और इस दौरान हार्दिक पांड्या को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बना दिया गया है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद भारत न्यूजीलैंड के बीच 18 नवंबर से व्हाइट वॉल क्रिकेट सीरीज शुरू होगी। 18 से 22 नवंबर तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 25 नवंबर से 30 नवंबर तक दोनों ही देश 3 मैचों की वनडे सीरीज में एक दूसरे का सामना करेंगे। बता दें कि रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने BCCI से T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद न्यूजीलैंड दौरे से ब्रेक मांगा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में अब नहीं खेलेंगे। T20 सीरीज में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे, तो वहीं वनडे सीरीज में शिखर धवन के कंधों पर एक बार फिर से भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि आखिर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में किन खिलाड़ियों को जगह दी गई है। तो इस लिस्ट में जो खिलाड़ी शामिल है दोस्तों, वो है कप्तान हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक। तो वहीं दोस्तों, अगर वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया देखी जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ कि उनमें किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो उसमें है शिखर धवन, जिन्हें कप्तानी सौंपी गई है। इनके बाद है उप कप्तान ऋषभ पंत। अगला नाम है दोस्तों शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर, कुलदीप सेन और उमरान मलिक। तो दोस्तों, ये वो खिलाड़ी होंगे जो कि वनडे सीरीज और T20 सीरीज के लिए चुने गए हैं। अब बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के मुकाबले की, यानी कि T20 सीरीज कब और कितने बजे खेली जाएगी, कहां पर खेली जाएगी, वो भी आपको बता देते हैं। तो पहला T20 मैच जो है वो 18 नवंबर को दोपहर में 12 बजे खेला जाएगा वेलिंगटन में। दूसरा T20 मैच खेला जाएगा 20 नवंबर दोपहर 12 बजे माउंट मोंगानुई में। तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे नेपियर में। बात करें वनडे सीरीज की, तो पहला वनडे मैच खेला जाएगा 25 नवंबर की सुबह 7 बजे ऑकलैंड में। दूसरा वनडे मैच 27 नवंबर सुबह 7 बजे हैमिल्टन में। और तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में 30 नवंबर को सुबह 7 बजे क्राइस्टचर्च में। तो दोस्तों, यहां पर हमने आपको बता दिया कि आखिर टीम इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और कब और कहां ये मुकाबले खेले जाएंगे और कितने बजे होंगे ये मुकाबले। तो दोस्तों, आपके हिसाब से T20 सीरीज जो होने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें जो टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ है, उनमें से आप किन 11 खिलाड़ियों को T20 खेलते हुए देखना चाहेंगे, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भिड़ते हुए देखना चाहते हैं आप लोग, उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वनडे सीरीज में भी किन 11 खिलाड़ियों को आप देखना चाहते हैं, किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका मिलते देखना चाहते हैं, किन्हें आप खेलते हुए देखेंगे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।